राजस्थान की कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस दूसरी सूची में कांग्रेस ने सूबे के 8 दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि टिकट उनके काटे हैं। और अभी तक 6 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। इनमें पहली लिस्ट में 1 और दूसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशी शामिल हैं। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 70 साल से ज़्यादा उम्र के 10 नेताओं को दोबारा मैदान में उतारा है, उन्हें मौका दिया है। इनमें उदय लाल अंजाना, ब्रजेंद्र सिंह ओला, सुखराम बिश्नोई, परसादी लाल मीणा, लक्ष्मण मीणा, सुरेश मोदी, डॉक्टर बीडी कल्ला, गुरमीत सिंह कुन्नर, विनोद, डॉक्टर दयाराम परमार भी शामिल है। दूसरी सूची में साल 2018 में चुनावों में कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय जीतने वालों को इस बार टिकट दिए गए हैं। लिस्ट में SC वर्ग के 5, ST वर्ग के 7 और OBC वर्ग के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन अब कांग्रेस की पहली और दूसरी सूची का पूरा एनालिसिस किया जाए तो उम्मीदवारों की सूची ने सारे भ्रम खत्म कर दिए हैं। एक लाइन में कहें तो अहम और वहम के शीशे की दीवार लगभग लगभग टूट गई है। यानी चुनावी महाभारत में वो ही घोड़े हैं, वो ही मैदान हैं। 5 साल में 2 बार आए सियासी संकट में दो पक्षों के साथ मजबूत खंभे की तरह खड़े रहे मंत्री और विधायकों सलाहकारों को टिकट से नवाजा गया है।